हमने देख लिया पिछले तीन राज्यों में, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बस एक ही नेता है देश में, नरेंद्र मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 400 प्लस जाएगी तो मैं वोट डालूंगा देश के लिए। बस बीजेपी जिसने देश के लिए किया वो हमारे लिए भी कर रहा है। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 2024 कौन भारी पड़ेगा। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या विपक्ष का कोई अन्य नेता कौन भारी पड़ने वाला है, और इस एपिसोड में हम आपको आम जनता की, लोगों की, राजनीतिक लोगों की, समाज से जुड़े लोगों की, तमाम लोगों की राय दिखाएंगे कि आखिर अगर वो वोट देने जाएंगे तो क्या सोच करके देने जाएंगे। हालांकि एक सवाल और अहम है कि तीन राज्यों में बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई, हालांकि एक राज्य में कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है, तो इससे क्या आम जनता प्रभावित है? बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं, इस उत्साह का कितना प्रभाव इन आने वाले 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। अहम मुद्दा और भी रहेगा कि जिस तरह से संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, जिस तरह संसद में जो लोग घुस गए थे उसके बाद से क्या जनता का विश्वास सरकार पर से कम हुआ है, कई अहम सवाल होंगे जिन पर चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि 2024 को लेकर के उनकी राय, उनकी मंशा क्या है, क्या सोचते हैं 2024 को लेकर के कि इस देश में कौन ऐसा नेता है जिसको एक बार फिर वो 2024 में चुनने जा रहे हैं, क्या 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बाजी मारेंगे, क्या बीजेपी अपना कमल खिलाने में सफल हो पाएगी, ये अहम सवाल है और इस सवाल को लेकर के आज जनता के बीच चलेंगे और जानेंगे कि 2024 को लेकर जनता के दिल में क्या है। 2024 चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें देश का यूथ पसंद करता है, देश के लोग पसंद करते हैं, लेकिन नेता भारी कौन है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भारी हो चुके हैं कि वो और नेताओं पर भारी पड़ेंगे? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आखिर देश की जनता किसके लिए सोचती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृष्ट कौशिक है। कौशिक जी, क्या सोचते हो 2024 कौन भारी पड़ने जा रहा है? 2024 का अभी जो ट्रेलर है वो तो हमने देख लिया पिछले तीन राज्यों में। 2024 में क्लीन स्वीप रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। क्यों रहेगी? आप देखिए, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। मोदी जी एक ऐसे नेता है वो किसी को डेवलप ही नहीं होने देंगे। उनका व्यक्तित्व तो इतना स्ट्रांग है कि छुटमुट नेता उनके आसपास आ ही नहीं सकते। अच्छा, अगर 2024 की बात कर लूँ, आप वोट देने जाएंगे, यंग है, यंग सोच रखते हैं, तो क्या माइंड में रख करके वोट करने जाएंगे कि क्यों मैं वोट करूं और कौन सा ऐसा वर्क है जिस पर मुझे वोट करना चाहिए? देखिए, मैं वोट करूंगा सबसे पहले रोजगार। और जो मोदी जी ने जो स्टार्टअप लाए हैं, जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप 2014 से पहले आप देखेंगे बहुत गिनती के स्टार्टअप होते थे, अब आप साल में देखेंगे कम से कम 20 यूनिकॉर्न तो महीने में आ जाते हैं कंपनियों के। तो वो मोदी जी के द्वारा जो ये स्टार्टअप मेक इन इंडिया लाया गया, हर चीज मेक इन इंडिया हो गई है। सारे आप रोड देखिए नितिन गडकरी जी के काम, कि रोड इतनी अच्छी बन रही है, हमारी सुरक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, सब देखिए आप काम कितना अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा, आपको लगता है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, क्या देश का धरातल वाला जो व्यक्ति है वो ये सब चीज़ें सोचता है? देखिए, धरातल वाला व्यक्ति की काम ही तो आती है, अगर हम फंस जाएंगे कहीं पर जाके बाहर तो काम तो फॉरेन मिनिस्ट्री आएगी हमारे। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करने आ गया, बॉर्डर पर हम रहते हैं, तो वो धरातल वाला आदमी जो है जो हमें वोट देगा, वो काम उसके आएगी डिफेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पर हमारी आर्मी हमें बचाएगी, होम मिनिस्ट्री काम आएगी, पुलिस हमारे 24 घंटे काम आ रही है। आप पुलिस का देखिए, पहले रिश्वतखोरी कितनी चलती थी, आज डरते हैं कि मोदी खा जाएगा अगर हमने कुछ कर दिया तो ये डर देखिए आप कितना है प्रशासन के अंदर, और बिना डर के काम नहीं चलेगा इस देश में। तो आप मानते हैं कि 2024 में एकमात्र लीडर नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें देश पसंद करेगा? आज तक के सबसे बड़े लीडर वही हैं जो डेवलप हुए हैं, और कोई नहीं बन पाया, उन जैसा देश ना किसी ने चलाया ना कोई चला पाएगा आगे। चलिए, और भी यंग है, अगर 2024 की बात करें, किसे पसंद करते हो, कौन लीडर है? सर, नरेंद्र मोदी। क्यों सर इतना ज़्यादा? मतलब देखो, मतलब पहले भी हमने सुना है कि और भी नेता आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किसी ने नहीं करा अभी तक, सबसे ज़्यादा करा है सर। चलिए, और भी लोग हैं, किसे पसंद करते हो 2024 के लिए? मोदी जी। क्यों? सारा काम अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा काम करते हैं। आपको क्या पसंद है मोदी जी का, कौन सा काम पसंद है? जो भी सब सेवा करते हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा रहेगा, राम मंदिर के नाम पर लोग वोट करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जो हिंदुत्व के काम आएंगे वो तो करेंगे, वो करेंगे। और 2024 में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रिपीट होंगे और बाकी जो लीडर हैं वो फीके पड़ जाएंगे? वही होने वाला है। क्या सोचते हो 2024? जी, जो 2024 में तो जी मोदी तो कन्फर्म है, इतना तो है। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बस। क्या मुमकिन है, क्या कहना चाह रहे हो, क्या मुमकिन है? थोड़ा इधर आइए, रोड से इधर आइए, क्या मुमकिन है, क्या लग रहा है आपको, क्या मुमकिन हो सकता है? मोदी जी ने हमारे लिए, हिंदुत्व के लिए इतना सब कुछ करा, ये सबसे बड़ा हमारा ये है, बाकी पार्टी आज तक कुछ नहीं कर पाई,
हिंदुत्व के ऊपर किसी ने नहीं बोला, मोदी ने बोला, इसलिए हमारे लिए मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आपको मोदी जी के कुछ काम अच्छे गिनाने हो तो क्या गिनाना चाहोगे? सिर्फ हिंदुत्व ही है और भी कोई काम है? जी हम तो हिंदुत्व के लेके सपोर्ट करते हैं बस। मतलब राम मंदिर आपके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा? जी जी। अच्छा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि उसके बाद देश में एक और लहर बन जाएगी बीजेपी की? जी आने वाले इतना तो है, 4-5 साल तक तो बीजेपी है ही, जो मोदी के नाम पे ही है जो भी। अच्छा, आप तो यंग हैं, देश का यूथ यही सोचता है? जी बिल्कुल यही सोचता है। और भी तो लीडर्स हैं? जी और लीडर्स तो हैं, पर मोदी का जो चेहरा है वो सामने खुल गया है, अभी बाकी का अभी आना बचा हुआ है। चलिए, यानी कि देश का यंग क्या सोचता है वो भी चर्चा करने का विषय है, इसलिए 2024 से पहले हम लोगों से जानना है कि उनकी क्या राय है देश में आने वाले 2024 को लेकर के। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और कार्यकर्ता और देश उत्साहित है, लेकिन 2024 कौन भारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल? ये सवाल बहुत अहम है, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन अवाना है, अभी युवा मोर्चा में जिले में महामंत्री हूँ, पूर्व में मैं दिल्ली छात्र संघ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ। अमन भाई क्या कहेंगे, 2024 है, 2024 में कौन आपको नेता ऐसा है जो भारी लग रहा है, जो आने वाले समय में देश का दोबारा से एक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहा है? देश में भारी और कम तो कोई है ही नहीं, एक ही नेता है देश में, नरेंद्र मोदी जी है। और मोदी जी की गारंटी ऐसी जनता की समझ में आ गई है कि मोदी जी को वापस जनता और भी भारी बहुमत से वापस लाएगी। बताइए कि आपको क्या ऐसा काम महत्वपूर्ण लगता है जो आपको लगता है कि हाँ 24 में मोदी जी ही वापस आएंगे? महसूस किया होगा पिछले 10 सालों में आपने भी, बदलाव तो है और हर देश के हर जन के अंदर महसूस है कि एक सेफ्टी है, एक ये भ्रष्टाचार से मुक्ति है और अच्छा विकास जो हो रहा है, आप सड़कों पर चलोगे तो आपको अपने आप ही दिखेगा। अगर आप कल को वोट देने जाओगे तो माइंड में क्या होगा, क्या सोच करके जाओगे? यूथ हो आप, यंगस्टर हो, क्या सोचोगे? रोजगार सोचोगे, व्यापार सोचोगे, विकास सोचोगे, या राम मंदिर भी एक मुद्दा आने वाला है वो सोचोगे? सब कुछ, सारे मुद्दे किसी सरकार ने पूरे किए हैं आज़ादी के बाद, तो वो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। और चाहे वो राम मंदिर हो, विकास हो, नौजवानों की बात हो, आज कनेक्ट हो चुके हम एक दूसरे से, पहले कनेक्टिविटी की बहुत कमी थी, जो डिजिटल सिस्टम मोदी जी ने देश में लाया है उससे बहुत बदलाव आया है और युवाओं में एक नई ऊर्जा का उत्पन्न हुआ है। मतलब आपको लगता है 2024 किसे भारी मान रहे हो? कौन है ऐसा लीडर जिसको देश की जनता आने वाले समय में 2024 की गद्दी एक बार फिर सौंपेगी? या तो प्रधानमंत्री मोदी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, बहुत सारे लीडर हैं, किसे मानते हो आप भारी? भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वही इस समय पूरे देश को संभाल रहे हैं और आगे भी वही संभालेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा है नहीं जो देश को संभाल सकता है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाले समय में सन 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 400 प्लस जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक। लेकिन अगर आप वोट देने जाओगे तो माइंड में क्या सोचोगे, क्यों वोट दोगे, क्यों बीजेपी को वोट दोगे, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनोगे? इसलिए क्योंकि उनके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, उनके हाथों में देश का भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो विकास किया है वो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ, क्योंकि 70 सालों से दूसरी पार्टियां राज करती हुई आई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 10 सालों के अंदर जो देश का विकास किया है, पूरे दुनिया में जो देश का नाम किया है माननीय मोदी जी ने। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट ज्यादा है या मोदी जी का क्रेडिट ज्यादा है? देखिए, मोदी जी का क्रेडिट ज़्यादा है, लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता मेहनत करता है और सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही चलता है। लगता है राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? देखिए, वो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो भी अपनी जगह है, लेकिन वो तो देखिए ऐसा है, एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, वो भी माननीय मोदी जी ने और सभी की सहमति से, सभी के प्रयास से हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की सीट पर लाके बैठाएंगे, ये सबका संकल्प है। चलिए, 2024 नज़दीक है और उससे पहले सवाल ये है कि 2024 में देश की जनता क्या सोच रही है, और इसीलिए सवाल ये है कि देश क्या चाहता है, और उसी को लेकर के हम धरातल पर उतर आए हैं जानने के लिए कि 2024 में आखिर क्या होने वाला है। 2024 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी प्रचंड जीत मिली है और इसीलिए बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, होना भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट जो सोचे थे उसके अनुरूप से भी ज़्यादा कुछ और मिल गया है, तो एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पूरी पार्टी में, लेकिन क्या वो उत्साह 24 तक बरकरार रहेगा? क्या कहेंगे सर, 2024 किसको भारी देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य विपक्ष का कोई लीडर ऐसा जो 2024 में भारी पड़ सकता है? देखिए, जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो उत्साहित तो है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश सेवा,
और हम देश सेवा के लिए ही काम करते हैं। हमारा मकसद राजनीति और सत्ता प्राप्त करना इसलिए है कि उस सत्ता प्राप्त करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। हमें ये नहीं है कि हमें राजनीति ही सत्ता ही प्राप्त करनी है, उसी के लिए हमें साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनानी है, नहीं। हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, देश प्रेम करना चाहते हैं। बॉर्डर पे अगर हमारी आर्मी सेवा कर रही है तो हम भी नेता है, समाज के एक नमूंदे है, समाज से जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा लोगों का हम भला कर सके, किसी को हॉस्पिटल की समस्या। लेकिन अगर 2024 का चुनाव आता है और 2024 का वोट आप डालने जाते हो तो आपके मन में क्या होगा? क्यों वोट डालेंगे? किस मुद्दे को सोच करके वोट डालेंगे? क्या होगा आपके माइंड में कि मैं वोट क्यों डालूं और किसको डालूं? क्यों सोच करके डालेंगे? ये सोचिएगा कि आप एक देश के वासी हैं तो क्यों डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वोट डालूंगा देश के लिए, और देश के हित की बात आती है तो आज 9 साल बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता में हो गई है, अभी तक भी कोई गलत बात सुनने को नहीं मिली है। जैसा कि आपने देखा, अभी सत्ता से दूर होने के बाद भी लोग आज भी घोटाला कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया होगा, ये इसका प्रमाण है। मतलब सोचने वाली बात है, इनको 10 साल सत्ता से बाहर हो गए लेकिन आज भी 200-200 करोड़ रुपये के सांसदों के घर में पहाड़ बन के खड़े है। तो सोचिए क्या हाल है देश का, और देश को इन्होंने कहाँ ले जाके फेंक दिया था। आज देश विश्वगुरु बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और लगता है कि देश की जनता समझेगी और 2024 में एक बार फिर बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और हमारे जो संगठन के लोग हैं और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बूथ पे रात दिन लगा रहता है, मेहनत करता है, उनके विश्वास पे मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के साथ सत्ता में आ रही है। चलिए, यानी ये तो वक्त बताएगा कि देश की जनता क्या देखेगी, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के फिलहाल का जो प्रदर्शन सामने आया है 3 राज्यों की जीत के बाद से, भले ही कांग्रेस ने 1 राज्य जीता हो, लेकिन उससे बीजेपी के कार्यकर्ता और वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, वो लोग पूरी तरह से उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि 2024 में बीजेपी अपने आप को इस सेमीफाइनल का विनर मानते हुए फाइनल में भी अपनी जीत मान रही है। 2024 कौन भारी पड़ने जा रहा है, इसका फैसला देश की जनता करने जा रही है। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, भले ही 1 राज्य में कांग्रेस ने बाजी मार ली हो, लेकिन फिर भी देश की जनता के मन में क्या है वो जानना जरूरी है। 2024 आ रहा है, क्या कहेंगे, कौन भारी नेता है? बीजेपी क्यों? बस बीजेपी, जिसने देश के लिए क्या वो हमारे लिए भी कर रहा है। नहीं, आप लोग तो ग्राउंड से जुड़े हो, आपको लगता नहीं है कि कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई है या कोई बात नहीं सर, मैं और महंगा हो कोई बात नहीं, वो सबके राज्य में महंगा होता है। हाँ। हमें आप पार्टी ने कहा था हम ऑटो के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम और उल्टा नीचे आ गए। हाँ। तो मतलब आपको लगता है कि आने वाले समय में आना है, तो सर बीजेपी जो हमारे देश के लिए कर रही है वो हम हमारे लिए कर रही है, हम बीजेपी को चुनेंगे। ये 2024 को ग्राउंड पर जानने के लिए आपको उन लोगों के पास जाना होगा जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो धरातल की बात बता सकते हैं, और धरातल की बात जानने के लिए आपको ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बता सकते हैं कि 2024 में क्या हुआ। और इसीलिए हमारी टीम लगातार 2024 से पहले आम जनता के बीच जा रही है और उनसे ये जान रही है कि 2024 में कौन नेता भारी पड़ने जा रहा है, कौन ऐसा नेता है जिसको देश की जनता पसंद कर रही है। हालांकि अपने अपने मत और अपनी अपनी राय हो सकती है। दिल्ली के अंदर ऑटो वालों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में, हालांकि कुछ ऑटो वाले फिलहाल नाराज हैं तो कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से खुश भी हैं, इसको हम कॉमन कह सकते हैं। लेकिन अगर 2024 के सर्वे का आकलन करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2024 के लिए पहली पसंद बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो 2024 के लिए आपने देखा क्या है देश की जनता की राय और देश आखिर 2024 में क्या चाहता है। मेरे सहयोगी साजिद और मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आप, नमस्कार।